बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या निधनानंतर गायक सोनू निगमने म्युझिक कंपन्यांवर नाव न घेता आरोप केले आहेत. सोनू निगमने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओत त्याने दोन मोठ्या म्युझिक कंपन्यांवर गंभीर आरोप केले. या दोन कंपन्या नवे गायक, संगीतकार, संगीत दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांना काम करू देत नाहीत. या म्युझिक कंपन्यांमुळे चित्रपट क्षेत्रातील संगीतकारही आत्महत्या करू शकतात असा आरोप सोनू निगमने केलाय. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. मैंने बहुत दिन से व्लॉग नहीं किया, मैंने मूड नहीं था एक्चुअली. पूरा भारत कई प्रेशर से गुजर रहा है. एक तो मेंटल और इमोशनल प्रेशर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में, वो जो लाजमी भी है ऑफकोर्स, क्योंकि अपनी आंखों के सामने एक जवान जिंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है. और कोई बहुत ही निष्ठुर होगा कि वो इस बात से अफेक्टेड ना हो. और ऊपर से फिर अभी इंडो चाइना का जो केस चल रहा है, और जो 20 हमारे 20 जवान जो घंटों लड़ने के बाद में और तड़प तड़प के जो मरे हैं, आई डोंट नो वहां पर क्या कैजुअलिटी हुई है. मैं भारतीय हूं, पर उससे ज्यादा मैं एक ह्यूमन बींग हूं, एक इंसान हूं आपकी तरह. तो मुझे दोनों ही चीजें ठीक नहीं लगती. मतलब ये क्या है चल रहा है, हमारा हमारी इंसान की इंसान को मारना. और ये चीजें समझदारी से भी हैंडल हो सकती हैं अगर इंसान चाहे तो, लेकिन हमारे वाले तो चाहते हैं शायद, लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो तैयार नहीं है, या उसके अपने एजेंडाज हैं. कुछ दुख की बात है, मेरी सहानुभूति सबके लिए है. मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खासतौर से हमारी म्यूजिक कंपनीज को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है. कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं. क्योंकि ये जो माहौल है म्यूजिक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है अनफॉर्चुनेटली. और मैं समझ सकता हूं कि बिजनेस करना जरूरी है लोगों के लिए, और अपनी सब को लगता है कि हम रूल करें बिजनेस को. क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया. लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. मैं सबसे बात करता हूं, कितनी लड़के लड़कियां आके मुझे बोलते हैं, सुनो भैया ये, सुनो भैया वो, सुनो सर ये, सुनो सर वो. मतलब बच्चे हैं वो, कल के आए हुए यार, परेशान हैं वो कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता है, पर म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है. मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूजिक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजेगा, कंट्रोल करते हैं कि फिल्मों में. लेकिन ऐसा मत कीजिए, दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज होती है. ये ठीक नहीं है. ये जो दो लोगों के हाथों में ताकत है ना, दो लोग हैं बस इंडस्ट्री के म्यूजिकली, उनके दो कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ. देखिए मेरा, मैं निकल गया से ना, मुझे कोई गाने की इच्छा है पिछले 15 साल से ना, मैं कोई बहुत, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड. बट आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन इन द आईज एंड इन द वॉइस इन द वर्ड्स ऑफ न्यू सिंगर्स, न्यू कंपोजर्स, न्यू लिरिक्स राइटर्स. खून के आंसू होते कभी कभी. अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आपको भी, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा.